मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन पे। अब काम शुरू करेंगे, कुछ एक काम करना है मुझे, जितना भी हो पाएगा करेंगे। अगेन हाथ पे ये लगी हुई है ना अभी भी, ये देखो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत काम करेंगे, ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी जिससे मेरा हाथ थोड़ा सा ख़राब हो, ठीक है। आज डेट है 4 दिसंबर और शुरू करते हैं हमारे टेरेस गार्डन का। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, पहले बाहर का दूंगी फिर अंदर का दूंगी, कुछ एक बातें होंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी और वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये हो जाता है हमारा टेरेस गार्डन इस तरीके से। और क्या क्या खिला है, क्या क्या नहीं खिला है, देखो रात रानी कितने अच्छे से ब्लूम करने लगे। रात रानी जिसके पास होते हैं आपको पता है, इस तरीके से इसमें फ्लास खिलते हैं, थोड़े बहुत आगे के ब्लूम करते हैं, छोटे 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 से, और बहुत अच्छी खुशबू आती है रात रानी में, देखो। और रात रानी आप कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो कर सकते हैं, ये देखो। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है ना दिसंबर, अभी तो आई डोंट नो ग्रो करेगा नहीं करेगा, मगर जैसे इस ऑटम सीजन है, स्प्रिंग सीजन होता है ना, तब आप इसकी कटिंग लगा लो। ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग लगा लो, रात रानी की बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। देखो बंचेस में फ्लावरिंग हो रही है मेरे रात रानी में, और इतनी अच्छी खुशबू इसके फूल है ना, अभी जैसे इस तरीके से बंद है, ठीक है, इस तरीके से इसकी कलियां बंद है, ये रात को खिलती है और बहुत अच्छे से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मतलब बता नहीं सकती कि शब्दों में से कितनी अच्छी इसकी, इतनी अच्छी से इसकी स्मेल आती है, ठीक है। जिसके पास रात रानी का प्लांट होता है उसी को पता है कि इसकी कितनी प्यारी स्मेल आती है, ठीक है। तो ये है हमारा रात रानी का प्लांट, और ये मेरे साल में 2 बार ब्लूम करता है, ठीक है। गर्मी में भी करता है, इस सीज़न में भी करता है, बीच में एक आधी बार और कर लेता है ये स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग सीजन में भी कर लेता है, ये ब्लूम कर जाता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर डे फिक्स नहीं है कि ये रात रानी के प्लांट इस समय ब्लूम करता है, ऐसा 2-3 बार करता है साल में ब्लूमिंग। तो अभी वापस स्टार्ट हो चुकी है इसकी ब्लूमिंग, अगेन यहाँ सब अच्छे चल रहे हैं, जो ही प्लांट में बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। देखो रिपोर्टिंग करने के बाद इसके बहुत सारे फ्लास तो नीचे हैं, दिख रहे हैं, फिर अगेन ये ऊपर है, यहाँ इधर गिरे हुए और ऊपर भी बहुत सारी इसमें ब्लूमिंग हो रही है। देखो कितनी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। तो जूही का प्लांट भी इस समय बहुत अच्छे से मेरे कर रहा है ब्लूमिंग, इसे मैंने सिर्फ काउडंग केक दिया इसके पॉटिंग मिक्स में, और उसके बाद ये इतने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। अब चलते हैं आगे, आगे सब बढ़िया चल रहा है। अलमंडा का सीज़न खैर चार चुका है, फिर भी ये ब्लूमिंग हो रही है। मैं अभी क्या ज़्यादा कुछ आपके साथ में चीज़ें शेयर वैसे नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज ये हाथ में लगी हुई है, इसलिए थोड़े से बस थोड़ा सा दिन और ये सही हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस अपना काम शुरू करूँगी, कुछ एक पौधे लगाने का काम, ठीक है। सीडलिंग्स लगानी है, सीडलिंग्स अभी मेरे काफ़ी अच्छे से हो चुकी है, उन्हें लगाना है। तो ये है मेरा अलमंडा का प्लांट, कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो कर जाता है, इसे आप इस ये अभी रेस्ट पीरियड में जाएगा, इसका सीज़न आता है गर्मी में, गर्मी में बहुत अच्छे से खिलता है। मेरे पास इसकी एक और मैंने कटिंग लगाई है, पर्पल कलर की का शेड है उसमें, वो कटिंग में मैंने लगाई, बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है। अब नेक्स्ट सीजन जब इसका आएगा ना, तो उसे मैं अच्छे से रिपोर्ट पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। ये है नीचे आपको जो दिख रहे हैं, ये है अपराजिता, जो मैंने इन्हीं बड़े बड़े कंटेनर्स में रख रखे। इधर आ जाइए, हमारे थोड़े बहुत गुलदाउदी रहते हैं, या नीचे ये बोगनविलिया है, या अगेन यूफोरबिया मिली है, ये मेरे बटन रोज का की क्लाइंब आ रही है। देखो अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही है, बीच में हो रही है, देखो थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, इसमें रोज़ खिल रहा है, ये अब जाके ब्लूम करेगा वापस से। ये तो ये मैंने 2 लगा रखी, एक ये है क्लाइंब करने वाली, और रेड कलर का सेम एक ये आ जाता है इस तरह से, ये भी ऊपर इस तरीके से ऊपर चढ़ रही है, काफ़ी बड़े कंटेनर में मैंने इसको रख रखा है। और अगेन अभी थोड़ा बहुत आपको मैसी मैसी सा दिखाई देगा, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ ना, तो पीले पत्ते ये कटिंग वटिंग अभी नहीं हो पा रही है मेरे से, एक हाथ से कटर अच्छे से चलता भी नहीं है, शार्प कटिंग नहीं होती एक हाथ से, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया अभी इस काम को, जब हाथ पूरी तरह से सही हो जाएगा फिर करेंगे। और ये देखो अभी जो मैंने आपको अलमंडा दिखाया था ना, ये सेम वही अलमंडा है, ये आपको दिख रहा है, ये देखो इसमें से, ये देखो इसमें पर्पल कलर का फ्लावर खिलता है, ये मैंने इसमें इसकी कटिंग लगाई थी, बहुत अच्छे से चल पड़ी है। तो अलमंडा भी आप कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो कर सकते हो, अभी इसका सीज़न नहीं है, जब इसका सीज़न आए तब, और बहुत प्यारी फ्लावरिंग होती है, ये देखो इसमें पूरा समर में तो ये बंचेस भर जाता है, और ये क्लाइंबर है ऊपर चढ़ता है, मेरे पास इसमें क्लाइंबर भी होता है, बुशी भी होता है, ये बुशी है, क्लाइंबर मेरे पास अलग है जो ऊपर की तरफ चढ़ती है। और तो क्या, वहाँ उग रहे हैं हमारे केल के प्लांट्स, और चंपा है, चंपा का भी अभी सीज़न चला गया है, और कनेर है, केल है, चंपा है, ये देखो अभी भी चंपा में छोटा सा एक फूल खिला है, कनेर के में फ्लावरिंग बहुत छोटी छोटी सी हो रही है। ये मेरे सारे चंपा है, चंपा का भी अभी सीज़न जा चुका है, चंपा मेरे सारे कटिंग के थ्रू ग्रो किए हुए हैं, बहुत सारे मैंने हाइब्रिड चंपा भी लगाए, ये जो आपको चंपा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला चंपा इस कंटेनर में, ये मेरा कटिंग से लगाया हुआ चंपा, इसमें रेड कलर का वेलवेटी फ्लावर खिलता है, बहुत प्यारा। तो देखो इतने से उसमें कितना अच्छे से चल रहा है ये,
और ये है हमारा डेविल बैकबोन। अभी विंटर में इसका कलर ऐसा हो रहता है, देखो कितना प्यारा दिख रहा है इसे पिंक पिंक कलर से। समर में ये बिल्कुल व्हाइट कलर का रहता है और विंटर आएगा तो ये इस तरीके से पिंक पिंक कलर की से इसकी पत्तियां हो जाती है। और इसके बारे में एक और बात, आप इसे कटिंग के थ्रू इस सीजन में इजीली लगा सकते हो। छोटी सी भी कटिंग ले आओ, नीचे व्हाइट कलर का सैफ निकलता है, उसे थोड़ा बहुत पानी से साफ कर लो और मिट्टी में लगा दो, बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है ये डेविल बैकबोन। और पिंक कलर इसका बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें एक प्लेन शेड भी आता है, मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन में से लगा भी रखा है। कटिंग के थ्रू इजीली लगने वाला प्लांट है ये डेविल बैकबोन। बस और रेन लिलीज आपको दिखाया है, अभी सीजन में रेन लिली बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। देखो अभी बारिश है, ठंड है, बहुत ठंड पड़ रही है। ये मेरा कंपोस्ट, ये देखो बारिश में ये गीला होता रहता है, सूखता रहता है, बिकॉज इनमें ना ड्रेनेज होल होते हैं ना, तो ये नीचे से पानी ड्रेन आउट हो जाता है। रेन लिलीज अगेन अभी वापस खेल रहे हैं, ये देखो रेन लिली खाने का सीजन नहीं है, मगर अभी ये बारिश हुई ना तो बहुत सारी रेन लिली वापस से ब्लूम करने लग गए। ये सारे रेन लिलीज हैं, बाकी यहाँ सब इस तरीके से हो जाता है। अब बस अंदर चलता है टिकोमा में भी। देखो देखो टिकोमा का ये जो प्लांट है ना, इसमें मुझे फर्न प्लांट लगाना है। ये पूरा निकाल के किसी और में शिफ्ट करूँगी, इसमें लगाऊंगी मैं फर्न प्लांट, ठीक है। वो भी थोड़ा हाथ पास सही हो जाए, ये उसके बाद में ही करेंगे। ये हाथ ने ऐसी कंडीशन कर दी कि सारे काम मेरे रुक गए हैं, बहुत सारे काम है। सीडलिंग्स मेरी काफ़ी अच्छी हो चुकी है विंटर की, वो भी लगानी है। और इसका मैं बॉन्साई बनाऊँगी, ये देखो इसका, ये जो है ना इसका भी सीज़न नहीं है। इसका जैसे सीज़न आएगा ना, इसका भी मुझे बॉन्साई तैयार करना है। ये देखो मैंने ग्रो इस वाले में ये वाला ऐसे ही रख रखा है, बहुत अच्छा इसका शेप है, बहुत प्यारे इसमें फ्लावरिंग उगती है। तो जैसे इसका सीज़न आएगा इसको लगाना है मुझे। बस इस तरीके से हमारे सारे बाहर के प्लांट्स रहते हैं, हिबिस्कस अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी बडिंग्स आ रही है। देखो हिबिस्कस में ये देखो बर्ड्स आ रही है, ठीक है। अब अंदर चलते हैं, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। इसमें कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं, देखो ये कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो हो जाते हैं। पिटूनियाज आप लगा सकते हो, सीड से लगाने का मौसम अभी नहीं है। अगर आप सीड से अब लगाओगे तो इसमें फ्लावरिंग बहुत लेट होगी, जब तक सीज़न एंड होने के उस पर आ जाएगा, ठीक है। अगर पिटूनियाज लगाने हैं, पिटूनियाज मैंने अभी आपको बताया वो वाले प्लांट्स, ठीक है। अगर आपको ये इस तरीके से फ्लावर्स ये वाले पिटूनियाज अगर आपको लगाने हैं ना, तो कटिंग ले आओ, इजीली ग्रो कर जाता है और उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और सीड के थ्रू अभी आप इसे मत लगाना, क्योंकि इसका टाइम जा चुका है सीड से लगाने वाला। तो बस चलते हैं अब अंदर, अब काम शुरू करते हैं अंदर। कुछ एक काम तो क्या करेंगे यार, मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, लग भी रखी है हाथ में, तो एक हाथ से कितना क्या काम कर पाएंगे। फिर भी कुछ एक तो काम करेंगे, कुछ एक बातें आपके साथ में शेयर करेंगे। और शेड लगाने से मेरे टेरेस गार्डन में मुझे कितना फ़ायदा हुआ ये आवाज़ आपको बताती हूँ। ये शेड हालाँकि यहाँ थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, कोई टेंशन नहीं है, मगर इससे मेरे प्लांट को जो इतने कॉस्टली आते हैं, ठीक है, और इतनी मेहनत से हम इन्हें लगाते हैं, इसमें तो बहुत वो हो गया। क्योंकि देखो पानी है ना बाहर बाहर वाले प्लांट्स को मिलता है, ये जितने भी बाहर के मेरे प्लांट्स हैं ना इन सबको लग जाता है पानी, ये सारे अंदर वाले प्लांट्स को ज़रूरत नहीं है पानी लगने की, क्योंकि वहाँ इंडोर प्लांट्स हैं, सक्यूलेंट्स हैं, और सक्यूलेंट हैं, कैक्टस प्लांट हैं, और ऐसे प्लांट हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी से वो खराब हो जाते हैं। उसमें मेन है मेरे एडेनियम प्लांट्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो देखो जूम करके दिखा रही हूँ। तो इनमें ज़रा सा भी पानी लगता है ये ख़राब हो जाते हैं। हालांकि गुलदाउदी और मैरीगोल्ड ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पानी लगते हैं, ये सब खराब हो जाते हैं। तो शेड से ये बेनिफिट रहा, ये देखो आपको दिखाऊँ एक सेकेंड, ये देखो अंदर का पूरा फर्श आपको दिख रहा है ना सूखा हुआ है, ये देखो जूम करके दिखा रही हूँ सूखा हुआ है। और बाहर की आपको कंडीशन दिखाएं, ये रहा बाहर का देखो गीला हो रखा है। तो ये फ़ायदा हो गया कि मेरे को अब टेंशन नहीं है मेरे एडेनियम्स की, इन सब की, कि ये ख़राब होंगे, बिकॉज ऊपर शेड है, ठीक है। तो ये भी अच्छा हो गया। ग्रीन नेट से भी पानी छन के आता है, कोई मतलब नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, मगर ये अच्छा रहा मेरे लिए। ये गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, सबके लिए मेरे ये ग्रीन मतलब ये वाला शेड अच्छा रहा, मतलब बेनिफिट रहा है मुझे। गर्मी में भी दिन में 2-3 बार के पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, नहीं तो गर्मी में बिल्कुल सूख जाते हैं प्लांट्स। और ये जो बाहर रखे हुए हैं ना, इनकी तो कोई टेंशन है ही नहीं कि एक बार पानी दो गर्मी में, ये बहुत अच्छे से चलते हैं, ठीक है। ओके अब चलते हैं अंदर, कुछ बातें अंदर आपके साथ में शेयर करते हैं। फिर थोड़ा सपोर्ट कर देना यार, अब मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देना, थोड़े से दिन और, चार एक दिन में ठीक हो जाएगा, ये सूखने लगा है अब धीरे धीरे, फिर काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है ना, और ये मेरे बर्न हुआ पार्ट है, तो इस पर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ मैं काम, ठीक है। नॉर्मल लगी होती तो उस पर बैंडेज बांध के काम कर लेती, मगर बर्न हुए पार्ट पे बैंडेज भी नहीं बन सकती ना मेरे, इसीलिए काम नहीं कर पा रही हूँ। चलो अब अंदर चलते हैं भाई। तो
अब हम आ चुके हैं अंदर, और अंदर आपको एक बार फटाफट से टेरेस गार्डन दिखा देते हैं। मेरी वीडियो की मतलब मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रखी है और अब मुझे पौधों को पानी डालना है। अंदर वाले प्लांट्स को 2-3 दिन से पानी नहीं दिया है, अंदर वाले फर्न प्लांट को देना है, डालना है। और फर्न प्लांट के बारे में कमेंट आया था कि आप फर्न प्लांट के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल दीजिए। तो फर्न प्लांट के बारे में अभी आज आपको डिटेल देने वाली हूँ कि कैसी केयर करते हैं। हालांकि फर्न प्लांट का भी सीज़न नहीं है, फर्न प्लांट का बेस्ट सीज़न होता है रेनी सीज़न। ठीक है, रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं फर्न प्लांट। ठीक है, तो फर्न प्लांट क्या होते हैं, जंगल में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कहते हैं फर्न प्लांट। बहुत अच्छे से, और उन्हें ऐसा शेड चाहिए होता है, और शेड के साथ उन्हें चाहिए होता है मतलब बारिश के साथ उन्हें चाहिए होता है, बहुत सारा मतलब मॉइस्चर चाहिए होता है। बारिश वाला सीज़न, जो बारिश का सीज़न होता है ना, वो चाहिए होता है। तो उस एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, मैं भी आपको बता रही हूँ, मेरे पास हैं काफ़ी सारे फर्न प्लांट हैं, पूरे तो नहीं हैं मगर जितने भी हैं उन सब के बारे में मैं आपको अभी एक मतलब थोड़ा सा बातें शेयर करूँगी। अगर आपके पास भी फर्न प्लांट है तो आप उसको अभी कुछ मत करो। ठीक है, रिपोर्ट करना चाहते हो तो आप अपने फर्न प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हो, मगर आप उसके साथ ज़्यादा कुछ मत करो, क्योंकि फर्न प्लांट का भी ये आप ये कह लो कि रेस्ट पीरियड है। ठीक है, रेस्ट पीरियड में अगर हम ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो हमारे फर्न प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि नहीं होते हैं, वो बहुत हार्डी प्लांट है। हार्डी प्लांट कौन से होते हैं, जो अच्छे से हमारे टेरेस गार्डन में बने रहते हैं कम केयर से, तो उसमें एक आता है फर्न प्लांट और बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं अगर आप उसे हैंगिंग में लगाओ। और फर्न प्लांट लगाने के इसमें होते हैं हैंगिंग बास्केट्स में, अगर आप हैंगिंग में लगाओ तो बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं। मैंने भी उन्हें हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। ठीक है, अभी आपको सारे ये चीज़ें मैं बताऊँगी, हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। और अगर आप उन्हें और भी हैंगिंग में ना लगाना चाहें, अगर आप उन्हें लगाना चाहते हैं किसी नॉर्मल पॉट में, तो आप उसे हमेशा ध्यान रखो किसी हाइट वाले प्लांटर में लगाना है हमेशा। किसको, फर्न प्लांट को, क्योंकि फर्न प्लांट हाइट वाले मतलब जिनकी हाइट अच्छी होती है ना काफ़ी, उसमें लगाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जब फॉल होते हैं ना, तो प्लांटर जब फॉल होते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखो मैं अभी आपको बताती हूँ, फर्न प्लांट मेरा एक ये है, ये हैंगिंग प्लांट में है, ये धीरे धीरे काफ़ी अच्छा ग्रो जाएगा। ठीक है, और इसे रूट बॉन्ड होना पसंद है। रूट बॉन्ड होना का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। रूट बॉन्ड होने का मतलब होता है कि प्लांट पूरा अच्छे से अंदर रूट कवर कर ले, बिल्कुल भी उसमें कोई एरिया खाली ना बचे। ये देखो फर्न प्लांट है, मतलब अंदर से कोई भी एरिया, बताती हूँ आपको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जैसे कि कोई प्लांट लो, ठीक है, ये वाला, हाँ एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला, जैसे ये मेरा केल का प्लांट है, ठीक है, सॉरी बोटनी का प्लांट है। तो देखो ये देखो इसके अंदर बिल्कुल भी आपको जगह नहीं है, ये देखो इस तरीके से अभी भी इसमें काफ़ी जगह है यहाँ अंदर की तरफ आके। तो फर्न प्लांट के साथ भी ऐसा है कि वो पूरा अच्छे से रूट बॉन्ड ना हो जाए, उसे बार बार, जैसे आपने एक प्लांट को इस साल लगाया तो कम से कम 2-3 सालों से भूल जाओ कि उसे शिफ्टिंग करना है। आपको ये बात का ध्यान रखना होता है, जितना आप उसको एक ही प्लांटर में रखोगे वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। ठीक है, ये है मेरे उसी में से एक एस्पेरेगस फॉल, ये देखो कितने अच्छे से फॉल कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रही है यहाँ से ये यहाँ तक, ये देखो कहाँ तक फॉल हो रहा है, इसीलिए हैंगिंग प्लांट में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे फर्न है ये वाला बोस्टन फर्न, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक काम करती हूँ उसको उतार के थोड़ी सी बातें आपके साथ में शेयर करते हैं। इसमें गिरगिट तो नहीं है भैया, मुझे बस गिरगिट का डर लगता है कि किसी भी प्लांट को उठा लो गिरगिट दौड़ जाता है उसमें। ठीक है, नहीं है, और हाथ में और लगी है तो भी कुछ कर नहीं पाऊँगी। ठीक है, हाँ अब देखो, अभी मैं आपको पानी के लिए बोल रही थी ना, ये हमारा ये है, एक बार आपको बोस्टन फर्न भी दिखाती हूँ। बोस्टन फर्न ये रहा, इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे सलसल से होते हैं इन पत्तियों में। ठीक है, केयर सबकी सेम होती है। ये एक मेरा है फर्न प्लांट, ये देखो कितने बड़े प्लांटर में है, और इसके इस तरीके से ये जो फॉल हो रही है ना, इनमें से ये बड़े ये वापस ये निकल जाएंगी, ये पत्तियाँ इस तरीके से, ये इस तरीके से लटकती हैं, बहुत प्यारी लगती है। मैंने इसको इस तरीके से स्टैंड में लगा रखा है, ये दिखा आपको इस तरीके से, बहुत ही प्यारा लगता है। इसलिए मैं बोल रही थी इसको थोड़ा हाइट वाला प्लांटर दोगे ना तो ये इस तरीके से फॉल होगी तो बहुत प्यारी लगेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। ये फर्न प्लांट को या तो हैंगिंग में लगाओ या ऐसे किसी प्लांटर में लगाओ या स्टैंड पर रखो, जैसे कि मैंने स्टैंड पर लगा रखा है, इस तरीके से फॉल होता हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो ये रहा मेरा फर्न प्लांट, इसकी पत्ती, ये देखो पानी की कमी है, ये इंडिकेशन है कि आपके फर्न प्लांट को पानी नहीं मिला है, क्योंकि ये हैंगिंग है और शेड के अंदर है ना ये सारे प्लांट्स मेरे, ये देखो इस तरीके से शेड है ऊपर, तो बारिश का पानी इन्हें लग ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगी, मैंने एक बारिश का पानी कंटेनर में भर के रखा है, वो बारिश का पानी इन्हें दूंगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। कंटेनर में भर के लाऊंगी फिर मेरे प्लांट्स को दूंगी। बिल्कुल मिट्टी इसकी हार्ड हो चुकी है, देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो बिल्कुल मिट्टी इसकी। तो ये इंडिकेशन है जब आपके फर्न प्लांट में इस तरीके से
सूखी सूखी पत्तियां हो जाए ना, तो समझ लीजिए इन्हें इसे पानी की कमी है, तो इसे उसी समय आप पानी दे दो अच्छे से, ठीक है। भले सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, अगर सूखा हुआ है तो उसे फुल पानी दे दो, बहुत अच्छे से वापस से ग्रोथ कर लेगा, ठीक है। और अच्छे से पूरा पानी दे देना, रूट बाउंड होना इसे पसंद है पूरा, जब तक ये कवर ना हो जाए ना, ये तो ये रूट बाउंड हो चुका है, पूरा कवर हो चुका है, तो इसमें मार्जिन नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ऑक्सीजन जाने का ऐसा, तो तब ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये देखो अब इसमें और नई नई ये आ रही है, इसमें शूट्स आ रही है, ठीक है। अब मैं इसे रिपोर्ट करूंगी, सेम मेरा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, वो टिकोमा का प्लांटर भी सेम ऐसा ही है, उसमें मैं शिफ्ट करने वाली हूँ इस वाले प्लांटर को, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। धीरे धीरे फिर इसी में से इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे इसमें से नया प्लांटर बनाए, वो भी मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगी। तो बस इस तरह का जो अब मैं इसको बारिश का पानी दे देती हूँ, मेरे बाहर से कंटेनर में से भर के ले आई हूँ, और थोड़ा थोड़ा मेरे सारे ही फर्न प्लांट को दूंगी मैं पानी। तो बस इस तरीके से ये हो जाते हैं हमारे फर्न प्लांट, ये वाला हो गया, वो वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये एस्पेरेगस फर्न, ये भी फर्न में ही होते हैं, मगर इनके साथ क्या है, इनके अंदर है ना ये जो ये वाले जो है ना आपको दिखाई दे रहा है एस्पेरेगस फर्न, इनमें ना अंदर एक ट्यूब एक बल्ब जैसा होता है जिसमें कि पानी स्टोर रहता है, तो इनको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, जब इनके मिट्टी पूरी सूख जाए उसके बाद ही आप इनको इन्हें पानी देना होता है, क्योंकि इनके और एस्पेरेगस फर्न को अगर आप एक दो दिन पानी और ना देना, इसकी मिट्टी सूखी हुई हो तो भी चलता है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्यूबर्स होते हैं छोटे छोटे से बल्ब जैसे होते हैं, उनमें पानी स्टोर रहता है, ज़्यादा देने से वो ट्यूबर्स गल जाते हैं, कम दोगे तो चलेगा, ज़्यादा देने से आपके ये पूरे एस्पेरेगस फर्न खराब रहते हैं, तो आपको उस बात का ध्यान रहना था कि आपको एस्पेरेगस फर्न को कम पानी देना होता है, ज़्यादा पानी देने से ही खराब हो जाते हैं ये वाले फर्न जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से ट्यूबर्स होते हैं, पानी उसमें स्टोर रहता है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग से वो गल जाते हैं, ठीक है। इन वाले फर्न प्लांट में ऐसा नहीं होता, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया ना, इन वाले फर्न में ऐसा नहीं होता, इन्हीं तो आप ओवर वाटरिंग भी करोगे तो भी चलेगा, मगर एस्पेरेगस फर्न को नहीं चलता है ऐसा। ये हो जाते हैं हमारे फर्न प्लांट जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अभी अगर आपको नर्सरी से लाना है तो देखो मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि इसका अभी कोई सीज़न नहीं है, खास ऐसा कोई सीज़न नहीं है, तो नर्सरी में या ऑफ सीज़न में सही मतलब आपको सस्ती रेट पर मिल जाएंगे। अगर आप ला के नर्सरी से लाना चाहते हैं तो कम से कम आपको अंडर 50 रुपीज़ ये मिल जाएंगे, 50 रुपीज़ से ज़्यादा आप मत दीजिए। छोटे छोटे प्लांट लाओ, यहाँ ला के ग्रो करो, जैसे मैंने तो लाया था अजमेर से 30 रुपीज़ का, बहुत छोटू सा इतना सा लाई थी दो, और उससे आज मेरे टेरेस गार्डन में इतने सारे मेरे ये क्या बोलते हैं फर्न प्लांट हो चुके हैं। ईच में 30-30 रुपीज़ का लाई थी, काफ़ी सस्ता पड़ गया था। छोटा प्लांट लाओ और अपने टेरेस गार्डन में आके आप लगाओ, बहुत अच्छे से वो ग्रो करते हैं और सर्वाइवल रेट उनकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बस यही कुछ बात है आपके साथ, और जब मैं इसका रिपोर्ट करूँगी ना, जैसे ये हाथ मेरा सही हो जाएगा उसे रिपोर्ट करूंगी, सारी वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी, और कुछ एक बची बातें तब मैं आपको बता दूंगी। फर्टिलाइजर अगेन मैं हैंगिंग प्लांट्स को कैसा देती हूँ उसकी भी वीडियो है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। गॉर्डन के का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ और जस्ट उन्हें मैं ऐसे डिप कर देती हूँ, 10-15 मिनट तक डिप कर देती हूँ उस पानी के अंदर, जब ये सारा सोक कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ। महीने में एक बार मैंने गॉर्डन के का फर्टिलाइजर जरूर से देती हूँ, बाकी ये हार्डी प्लांट है, ऐसा कोई ज्यादा खास इन्हें नीड नहीं होती किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप कि छोटी सी वीडियो मेरे को आपको अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। ओके बाय।